विंडो का हो गया। एडवांस लेवल पे इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हैं एडवांस लेवल में, वो दो चार प्रॉब्लम्स और कर लेते हैं क्योंकि वो नए कंसेप्ट पे हैं। एक बार तुम लोग अटेम्प्ट कर लो फिर उनको डिस्कस कर लेंगे। उसमें मेन चीज समझो क्या है, रिएक्शंस लिखना इंपॉर्टेंट है कि कैथोड और एनोड पे रिएक्शन क्या हुए। ओके पहले तो एक थर्ड फिफ्थ और 13, फिर फर्स्ट सेकेंड और 25, ये छह प्रॉब्लम। चलो जल्दी एक बार इन पे एडवांस लेवल पे जस्ट ट्राई टू राइट द रिएक्शंस एट कैथोड एंड एनोड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स याद है ना सारे, वो जो टेबल बनवाई थी, करेक्ट? करो जरा रिएक्शंस लिखने की कोशिश करो। 36 वाला भी डिस्कस करना है, वो हम बाद में करोगे। करते हैं पहले ये छह पे रिएक्शंस लिख लो।
चलो स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है। सो 1, 2 और 25 वो विंडो आईडी जेई का है राइट? नहीं एडवांस का ही है। अच्छा एडवांस का। ओके सॉरी सर। किससे स्टार्ट? थर्ड से। सर थर्ड से स्टार्ट। थर्ड से एडवांस लेवल का थर्ड प्रॉब्लम है। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस की। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं प्रॉब्लम में, तब समझ में आएगा कैसे करते। Can you tell me in this problem, cathode or anode के reactions क्या होंगे? इतना बस बता सकते हो electrolysis, copper sulfate की electrolysis में। तो cathode पे Cu2 plus plus 2 electron Cu। cathode पे होगा Cu2 plus plus 2 electron। ठीक है। एनोड पे ट्वाइस एच टू ओ गिविंग 4H+4 इलेक्ट्रॉन और O2। ये क्लियर है रिएक्शन सबको? यस सर। अच्छा अब 100 ml कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज किया, करंट 0.965 एम्पियर्स। फिर द pH of resulting solution was 1। तो pH solution का 1 हो गया, तब तक electrolysis की। pH 1 हो गया मतलब H plus की molarity 0.1 हो गई, correct? Volume 100 ml दिया है मतलब 0.1 liter, मतलब H plus के moles कितने हो गए? 0.01। अब H plus का stoichiometric coefficient क्या इस रिएक्शन में? एनोड के रिएक्शन में बन रहा है H plus और उसका stoichiometric coefficient, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का stoichiometric coefficient क्या है? 4। मतलब जितने H plus बनेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी यूज हो रहे हैं इसमें, करेक्ट? अब अगर तुम कैथोड साइड से देखो तो कैथोड में Cu2+ का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 और इलेक्ट्रॉन का 2, मतलब एक Cu2+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, करेक्ट? यस। तो कितने मोल Cu2+ इलेक्ट्रोलाइज हो जाएंगे? 0.0। कितने मोल Cu2+ यूज्ड अप हो गए? 0.01/2, दैट इज 0.005, सही है? कितने मोल Cu2+ यूज हो गए, बचे कितने? बचे हुए मान लेते हैं X, ठीक है? अब बचे हुए सॉल्यूशन में हमने क्या किया? द सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस वाज न्यूट्रलाइज ट्रीटेड विद एक्सेस केआई। अब बचे हुए Cu2+ को हमने केआई से रिएक्ट कराया, क्या बनेगा? I2 और Cu+, और फिर इस I2 को थायोसल्फेट से स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक वाला रिएक्शन, ठीक है? I2 का दोनों रिएक्शन में n फैक्टर सेम है, तो हम सीधे मिली इक्विवेलेंस ऑफ Cu2+ को थायोसल्फेट के मिली इक्विवेलेंस के इक्वेट कर सकते हैं। तो Cu2+ के कितने मिली इक्विवेलेंट होंगे?
इक्विवेलेंट उसके मोल्स हैं एक्स एन फैक्टर वन और थायोसल्फेट की मोलारिटी 0.04 वॉल्यूम 35 ml तो लीटर में कन्वर्ट कर लो और एन फैक्टर वन तो उससे एक्स हमें मिल गया 0.0014। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या क्या किया है। ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इफ करंट एफिशिएंसी इज 80%। तो कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन यू आ रहे हैं 0.01 और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आई टी बाय एफ, करेक्ट। करंट है 0.965 एम्पियर्स जो केवल 80% एफिशिएंट है तो इंटू 0.8 ये आई हो गया इंटू टी बाय एफ, यहां से टी आ जाएगा। और फिर पूछा है कॉपर आयन की इनिशियल मोलारिटी, तो टोटल कॉपर आयन कितने थे इलेक्ट्रोलिसिस में यूज हुए 0.005 और इलेक्ट्रोलिसिस से बाद बचे 0.0014, ये टोटल मोल्स हो गए और वॉल्यूम था सॉल्यूशन का 0.1। आ जाएगी कॉपर आयन की इनिशियल मोलारिटी सर, सॉल्यूशन में इसका आंसर 0.64 दिया है तो वो गलत है ना, 0.064 आना चाहिए, 0.064 आएगा। यस और कोई करना है सब, बाकी के बाद में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक चीज नोट कर लो, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक मिनट वो पीछे स्क्रीन कर लेना। देखो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एज द नेम सजेस्ट आर कंडक्शन मेजरिंग टाइट्रेशन। तो कई बार एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में रादर देन डूइंग अ इंडिकेटर कलर चेंज एंड मेजरिंग वॉल्यूम वी डू अ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, वी मेजर द कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसेप्ट क्या होता है इसमें, देखो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस इन दो आयंस की कंडक्शन बहुत हाई होती है। H प्लस की कंडक्शन वैल्यू अराउंड 350 होती है, OH माइनस की अराउंड 200, बाकी सारे आयंस की रफली सिक्सटी से 100 के बीच होती है। ठीक है, तो बाकी सारे आयंस की कंडक्टेंस को हम ऑलमोस्ट इक्वल मानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब अगर किसी सॉल्यूशन से H प्लस चला जाए तो उसकी कंडक्शन ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी, यस और नो? यस सर। और किसी सॉल्यूशन में H प्लस आ जाए तो उसकी कंडक्शन ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी। yes, तो बस इसी कंसेप्ट पे हम लोग टाइट्रेशन करते हैं जिसमें कंडक्शन मेजर करेंगे।
Let me take a very simple titration to start with. Let's say बीकर में हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग एसिड रखा और ब्यूरेट से एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल और इस सॉल्यूशन की हम लोग कंडक्शन मेजर कर रहे हैं और हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कंडक्शन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब कैसा बनेगा ये ग्राफ बताओ भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड है सॉल्यूशन में, मान लो HCl टाइप का कोई एसिड है, तो सॉल्यूशन में पहले से क्या है H प्लस आयंस है और Cl माइनस आयंस है, करेक्ट। yes. अब हमने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालना शुरू किया NaOH टाइप का, तो क्या होगा Na प्लस OH माइनस आयंस आएंगे सॉल्यूशन में, उसमें से OH माइनस आयंस एच प्लस आयन से रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे, ओके। और Na प्लस आयन सॉल्यूशन में रह जाएंगे। तो इफेक्टिवली हमने किया क्या, सॉल्यूशन में से एच प्लस को Na प्लस से रिप्लेस कर दिया, करेक्ट। सो Na प्लस Cl माइनस के साथ में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे सॉल्ट, कौन सा NaCl। NaCl पानी में कैसे रहता है, ओके एक्वियस, यस सर। तो इफेक्टिवली हमने किया क्या, H प्लस को Na प्लस से रिप्लेस कर दिया, करेक्ट, यस सर। क्या होगा कंडक्टेंस को बढ़ेगी कि कम होगी, कम कम होगी, क्योंकि H प्लस आयन सॉल्यूशन से जा रहे हैं, कम होगी, ऐसा ग्राफ बनेगा। हम जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग बेस डालते जाएंगे H प्लस कम होता जाएगा, ये ग्राफ नीचे जाता जाएगा, करेक्ट। एक बार HCl खत्म हो गया फिर क्या होगा, OH माइनस ऐड होना शुरू, उसके बाद भी हम अगर डालते गए उधर तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, OH माइनस आएंगे उससे कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। तो जैसे ही ये ग्राफ में ये चेंज आएगा, ये चेंज जिस पॉइंट पे आएगा वही इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया, करेक्ट, यस सर। समझ में आया ये, देखो स्ट्रेट लाइन की बात नहीं है, हम डिफरेंट पॉइंट्स पे मेजर करेंगे और उन पॉइंट्स को ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे हमें, करेक्ट, उनको हम बेस्ट फिट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, हमें उसकी शेप से मतलब नहीं है, हमें तो बस इसमें मतलब है ना कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग कब हो रहा है, करेक्ट, यस सर। चलो इसी में एक अगली टाइट्रेशन डिस्कस करते हैं। सर आप एक मिनट के लिए वापस पीछे लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो। इसमें एक बार इनिशियली डिक्रीज कैसे होते हैं वो बताने का। भाई इनिशियली H प्लस आयंस हैं जो सॉल्यूशन के, वो OH माइनस से रिएक्ट करेंगे तो H प्लस सॉल्यूशन का कम होगा। हाँ यस समझे। चलो सपोज ये टाइट्रेशन कैसा बनेगा इसका ग्राफ, नाउ कैन यू टेल मी इसका ग्राफ कैसा बनेगा।
यार अब ट्राई करो फॉर स्मॉल इंटरवल तो लास्ट वाले जैसा ही रहेगा सिमिलर नहीं पहले स्लोप कम रही उसके बाद बढ़ जाएगी स्लोप पहले थोड़ा डिक्रीज और फिर ड्रास्टिकली फिर इंक्रीज और फिर ड्रास्टिकली इंक्रीज ऐसा बनेगा सर मिडल पोर्शन कैसे देखो इसमें तीन रीजन्स हैं ये पहला रीजन है जब डिक्रीज हो रहा है थोड़ा ये दूसरा रीजन है जब थोड़ा इंक्रीज हो रहा है और ये तीसरा रीजन है जब ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है करेक्ट वीक एसिड तुमने बीकर में डाला है क्या वीक एसिड पूरा डिसोसिएटेड होगा नो सर तो कंटेनर में स्टार्टिंग से ये इक्विलिब्रियम है करेक्ट यस सर अब तुमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला स्ट्रॉन्ग बेस किससे रिएक्ट करेगा H plus present. तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन होगा करेक्ट इसमें सॉल्यूशन के OH सॉल्यूशन के H plus चले गए yes, sir. तो डिक्रीज हुआ ये हो गया रीजन वन समझ में आया यस अब एच प्लस का तो अमाउंट बहुत कम होगा वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा रीजन आया वन का एच प्लस खत्म होने के बाद तुम बेस जब डालोगे तो वो किससे रिएक्ट करेगा वो जो अनडिसोसिएटेड एसिड है उससे रिएक्ट करेगा HA से करेक्ट यस और नो सो ये H प्लस खत्म हो गया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं करेगा करेगा लेकिन यार देखो वो बहुत लेस अमाउंट होगा ना मेजॉरिटी अमाउंट में तो फिर HA बचा होगा ना हाँ यस तो HA से रिएक्ट करना शुरू करेगा OH माइनस क्या बनाएगा वाटर और A माइनस अब इस रिएक्शन में सॉल्यूशन का तो कोई आयन यूज हुआ नहीं भाई सॉल्यूशन में तो HA यूज हुआ OH माइनस तो मैं बाहर से ही डाल रहा हूं तो सॉल्यूशन का तो कोई आयन यूज हुआ नहीं करेक्ट लेकिन सॉल्यूशन में ए माइनस नए आयन्स बन गए और एन ए प्लस भी नए आ गए जो बेस से आए होंगे करेक्ट ये समझ में आया तो सेकेंड रीजन में ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू ए माइनस कंडक्टेंस थोड़ा बड़ा और फिर थर्ड रीजन में तो एसिड खत्म हो गया और हम बेस डालते जा रहे हैं तो न्यू OH माइनस क्लियर उससे कंडक्टेंस ड्रास्टिकली बढ़ा समझ में आ गया ये एक मिनट लास्ट में सर बेस के कैटायन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी बढ़ रहा है ना रीजन टू और रीजन थ्री में बढ़ रहा है ना रीजन टू में क्यों बढ़ रहा है बेसिक कैटायन और ए माइनस से
रीजन थ्री में क्यों बढ़ रहा है? बेसिक कैटायन और OH माइनस देने से। रीजन वन में कम क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिक कैटायन इज रिप्लेसिंग H प्लस। यस सर। चलो अब इसका ग्राफ खुद से बताओ जरा। इन बीकर आया है अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और ब्यूरेट से स्ट्रॉन्ग बेस डालने, कैसा ग्राफ करने का बताओ। बोलो यार, अब तो दोनों कर चुके हैं। फिर वो पहले डिक्रीज करेगा और फिर वापस से वो जो जो अपन पहले बनाया वो वैसा वैसे ही ग्राफ रिपीट हो जाएगा। पहले दो ग्राफ बना चुके हैं जो वीक एसिड वाला बनाया था ना, वो वाला ग्राफ वापस रिपीट हो जाएगा डिक्रीज कर। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट होगा ड्रास्टिक डिक्रीज, फिर वीक एसिड के रिएक्शन से स्लाइट इंक्रीज, फिर एक्सेस स्ट्रॉन्ग बेस से ड्रास्टिक इंक्रीज। ठीक है? यस सर। समझ में आ गया ग्राफ? कर लिया नोट इतना? यस सर। Yes, remove the one from meeting. Yes, sir. ये ग्राफ बताओ कैसा है। सोच के ढंग से बताना। डिक्रीज करेगा पहले, फिर डिक्रीज ही करेगा ना, डिक्रीज ही करता रहेगा। तो फिर इंक्रीज करेगा क्योंकि एजीआई प्रेसिपिटेट होना चाहिए। बेटा पहले एजीआई प्रेसिपिटेट होगा ना, जैसे सॉल्यूशन में तुम एआई डालोगे एजीआई प्रेसिपिटेट होगा, करेक्ट? तो सॉल्यूशन से Ag प्लस गए और उनकी जगह K प्लस आ गए, तो इफेक्टिवली वी हैव रिप्लेस्ड Ag प्लस बाय K प्लस, करेक्ट? कौन है ये? अब की बार कौन था? यश। सर मैंने उसको वेटिंग रूम में डाल दिया है। तो लॉक कर लेने से। हाँ, तो Ag प्लस को हमने K प्लस से रिप्लेस किया, करेक्ट? Ag प्लस और K प्लस की तो कंडक्टेंस सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट, H प्लस और OH माइनस को छोड़ के बाकी सब आयंस की कंडक्टेंस इज कंसिडर्ड सेम, ओके? तो पहले कांस्टेंट रहेगा और फिर जैसे जैसे हम लोग और एक बार एजीआई की प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद भी डालते गए अगर के आई तो नए के प्लस और आई माइनस आयंस आएंगे और उससे क्या होगा, कंडक्टेंस विल इंक्रीज। वैसा ड्रास्टिक इंक्रीज होगा? ड्रास्टिक नहीं, ड्रास्टिक इंक्रीज तो केवल किससे होता है,
एच प्लस एंड ओ एच प्लस या ओ एच माइनस वो पहले डिग्रीज को नहीं करेगा मतलब कांस्टेंट क्यों करेगा एजी प्लस जा रहे हैं सॉल्यूशन से और उसकी जगह आई एट के प्लस आ रहे हैं एक आयन जा रहा है एक आयन आ रहा है और उन दोनों आयंस की कंडक्टेंस कंपेरेबल है ओके सर हां सर टू का क्या रीजन बताया सेकंड में इंक्रीज होता उसका भाई एक बार प्रेसिपिटेशन खत्म हो गया सॉल्यूशन से Ag प्लस खत्म हो गया उसके बाद तुम और डालते जाओगे अगर उसके बाद और Ki डालोगे तो K प्लस I माइनस आयंस आएंगे ना नए हाँ सर समझ गया इतना क्लियर है तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में ग्राफ कोई भी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन दिया है उसका ग्राफ बना लोगे ये दो तीन बार जेई में कंटिन्यूअसली पूछा गया है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ये यही वाला पूछा गया था AgNO3 Ki वाला क्लियर है ना सबको Yes, sir. तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो अब ये थ्योरी वाइज तो हो गया अब तुम लोगों की बुकलेट की क्या पोजीशन है वो बताओ मुझे कितना हो गया है कितना बचा है FBS डन FBO थोड़ा सा बाकी FBS that's the FBS ongoing FBS कैसे बाकी रह गया नहीं डन डन FBS डन है ना हाँ सर FBO में 55 तक डन है डाउट कहाँ तक हम लोग कर चुके हैं क्या उसकी डाउट की सिचुएशन सर FBO 40 तक कर लिया था FBO 40 तक डिस्कस हो गया एंड डाउट लेक्चर है हाँ कल है सर कल है सर 2 घंटे का सर तो हमको FBO पूरा कंप्लीट कर देने का अब तो भाई पूरी बुकलेट कंप्लीट कर लेनी है अब कब क्या डिस्कस करना है वो बता दो तो कल FBO कल FBO पूरा कर लोगे तो ट्राई करेंगे तो कल 40 के आगे FBO हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ठीक है सर 40 से एंड तक हाँ 40 से एंड तक FBS में तो आई होप कुछ डिस्कस करना नहीं है एक क्वेश्चन में मेरे को लास्ट 5 questions रह गए तो FBS में कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हो 69 एक बार कर दो ना कौन सा 64 में H प्लस और OH माइनस का लैम्डा दिया है यस सर उससे तुम वाटर का लैम्डा निकाल लोगे ऐड करके यस सर वाटर का लैम्डा आ गया और वाटर का कापा दिया है यस सर तो क्या इक्वेशन लिख लेंगे लैम्डा ऑफ वाटर इज इक्वल टू कापा ऑफ वाटर इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी ऑफ एच प्लस आयन यस सर H प्लस की मोलारिटी मिल गई तो pH और KW फिर निकाल लोगे सर उधर मोलारिटी में मोलारिटी ऑफ H प्लस क्यों आएगा हाँ H प्लस की ले लो या OH माइनस की ले लो प्योर वाटर के लिए तो दोनों इक्वल होंगी ना यस सर प्योर वाटर में तो H प्लस OH माइनस इक्वल मोलारिटी के होंगे यस सर सर 59 भी एक बार कर दो ना सर इसके आंसर मैच नहीं हो रहा 59 में क्या दिया है AgCl का दिया है ना वैल्यू यस सर कितनी दी है
सर उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है 1.12 into 10 raise to minus 6 s सेंटीमीटर माइनस हाँ ठीक है और लैम्डा एम क्या हो जाएगा ag प्लस प्लस cl माइनस ag yes, ag प्लस का कितना दिया है मोलर कंडक्टेंस 54.3 यहां से s निकाल लो और फिर p is s स्क्वायर इससे जो आंसर आए वो करेक्ट है अब ये चेक करके बताओ ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है आई थिंक मैच होना चाहिए तो अगर कोई सॉल्ट है मतलब जिसका एक आयन का वैलेंसी अलग है दूसरे का अलग है तो फिर ये एस के जगह फिर किसका लेना चाहिए मतलब मुझे कैसे सॉल्ट का एग्जांपल दो सर जैसे Na2SO4 Na2SO4 ये पानी में डिसॉल्व होगा तो 2Na प्लस प्लस सल्फेट करेगा यस सर अब इस अगर ये एस डिसॉल्व हुआ तो इसकी मोलारिटी 2s इसकी है करेक्ट सर अब ये बताओ Na प्लस पे चार्ज कितना है 1 तो यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज की मोलारिटी क्या हुई 2s into 1 करेक्ट ये कैसे निकाला चार्ज की मोलारिटी निकाल रहा हूँ ना ये मोलारिटी किसकी है Na प्लस आयन की है यस सर और हर Na प्लस आयन पे प्लस 1 का चार्ज है यस सर तो टोटल पॉजिटिव चार्ज की मोलारिटी कितनी हुई सर 2s हाँ और टोटल नेगेटिव चार्ज की मोलारिटी कितनी हुई इनटू 2 हो जाएगा तो दोनों जगह से क्या है 2s ही आया यस सर ठीक है यस सर समझा और FBS में कोई डाउट बचा रह गया है सर 43 और 42 कर दोगे FBS का 42 तो बहुत पुराना है चले सर मास ऑफ एक्स लिबरेटेड इज 0.54 ग्राम एंड द आयोडीन इज कंप्लीटली रिड्यूस्ड बाय 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ एक्स भाई सेम इलेक्ट्रिसिटी से एक्स और आयोडीन लिबरेट हो रहे हैं यस सर दोनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे यस सर और इस आयोडीन को तुम थायोसल्फेट से भी रिएक्ट करा रहे हो तो थायोसल्फेट के भी इक्विवेलेंट उतने ही होंगे यस सर सब इस पर एग्री कर रहे हो हां सर समझ गए कर लो के थायोसल्फेट की मोलारिटी वॉल्यूम क्या है और 44 में क्या करना है देखो 44 में आपको क्या डिस्कस करना है कि एक ही सॉल्यूशन में दो आयन है ठीक है यस सर तो पहले किस आयन का लिबरेशन होगा जिसका ज्यादा स्पॉन्टेनियस है कौन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है कॉपर वाला यस पी नॉट वैल्यू ज्यादा है करेक्ट यस लेकिन जैसे जैसे कॉपर लिबरेट होता जाएगा उसकी मोलारिटी कम होती जाएगी यस उसकी मोलारिटी कम होती जाएगी तो उसका ईएमएफ भी कम होता जाएगा यस सर तो ईएमएफ कम होते होते जब कॉपर का ईएमएफ बिस्मथ के बराबर हो जाए तो उसके बाद तो बिस्मथ भी डिपॉजिट होगा केवल कॉपर क्यों होगा करेक्ट यस सर तो बेसिकली तुम्हें क्या कंडीशन फाइंड करनी है तुम्हें ये कंडीशन फाइंड करनी है
कॉपर का ईएमएफ बिस्मथ के ईएमएफ के कब बराबर होगा? ठीक है, यस सर। कॉपर का ईएमएफ कैसे लिखेंगे? नॉनस्टिक क्वेश्चन से ऐसे और ये बिस्मथ के ई नॉट के कब बराबर होगा? दोनों की ई नॉट वैल्यूज दी है, हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा यस। सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने वो एनोड को पॉजिटिव क्यों नाम दिया था? मतलब भाई हमने कोई नाम नहीं दिया था, हमने तो एक सिंपल लूप लिखा है। सुनो सुनो कि वहां पे रिडक्शन होगा वो कैथोड है, जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड है बस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन होता है तो इसलिए एनोड कहलाता है। यस सर, यस सर। चलो तो पोजीशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब कौन सा कहाँ डिपॉजिट होगा वो कैसे कर दे, मतलब ई नॉट वैल्यू नहीं, जो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो एनोड वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा ऐसा? नहीं बेटा, जो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड से डिपॉजिट। यस सर, तो मतलब वो माइग्रेट करके वैसे नहीं होता? नहीं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखो कि सब कहां पे रिडक्शन हो रहा है, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस आयन का। यस सर, थैंक यू सर। चलो तो कल हम लोग एफपीओ पूरा डिस्कस करेंगे, ओके? ठीक है सर, वो पीवाईक्यू का डिस्कशन बाकी था। क्या पीवाईक्यू का डिस्कशन बाकी था 36 वाला? ठीक है, कल पहले एफपीओ करेंगे, फिर करेंगे सारे डाउट्स, नहीं ओके?